अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, ये हमारा ओवन है, इस ये ख़राब हुआ पड़ा है, तो उसके हम डिफरेंट मसले वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनको कैसे रिपेयर किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें इसको इसके नट खोलने होंगे। किसी भी प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले तो हमें इसको खोलना होगा और इसको मतलब ऊपर वाला कवर इसका हटाना होगा। तो इसके सारे नट तो मैंने खोल दिए हैं, अभी ये देखें कवर हटा दिया इसके ऊपर से। तो ये पहला काम तो ये हो गया। अब इसके बाद अभी हम इसकी रिपेयरिंग की तरफ जाएंगे। तो अच्छा, इस ये जो है ना, इसके सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके बल्ब रिप्लेस करना है इसका हमने, ठीक है। तो ये बल्ब ये ऊपर लगा होता है तो इसको उतारना पड़ेगा सबसे पहले। देखें इसके ऊपर ये हल्का सा ये नरम से लोहा होता है। मैंने क्या किया, एक बल्ब लेके आया पहले। अच्छा, ये ओवन का बल्ब वही होता है जो फ्रिज का होता है, ठीक है। तो वही वाला बल्ब हमें चाहिए होता है। तो ये पहले वाले को हम इससे उतार लेते हैं। देखिए इतना हल्का सा इसके ऊपर वो लगा होता है लॉक सा, वो थोड़ा सा ऊपर किया और उसको उतार लिया, ठीक है। वो उतार के उसी रेटिंग का दूसरा बल्ब ले आए, ठीक है। आप शॉप के ऊपर जाए, वैसे इसके ऊपर ना इसका अपना थ्रेड साइज लिखा होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। तो वो दूसरे वाला बल्ब इसी का लेके आए और इसको रिप्लेस कर दिया उसी से ना, ठीक है। ये इसके वापस लगा दिया। तो इस तरह इसका बल्ब आसानी से रिप्लेस हो जाता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। आपने सबसे पहले क्या काम करना होता है, इसका कवर हटाना होता है। कवर हटा के इसके अंदर से सामने देखना होता है कि बल्ब किस जगह लगा हुआ। तो जहां पे लगा हुआ हो उसके ऊपर एक छोटी सी सील सी लगी होती है, उसको हटा के उसको रिप्लेस किया। देखिए अभी मैं आप वापस लगाता हूँ, आपको नजर आ जाएगा। ये वो नीचे वाला नहीं है, ये लोहा हल्का सा ये टेढ़ा होगा, ये नीचे वाला वो उसके अंदर जाके ये टेढ़ा होगा। बस इतना सा काम होता है बल्ब लगाना, ठीक है। ये आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए इसको खोला तो हुआ है, मैं आपको बाकी कुछ चीजें दिखाता हूँ। ये देखिए ये हीट हाई या लो करने वाला है, इसके अंदर ये लगा होता है। ये ऊपर करेंगे और नीचे करेंगे, इसमें आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। ये है ना, ये मीडियम हाई लो ये हीट वाला था, ठीक है। इसके पीछे वो लगा होता है क्लेवर सा। इसी तरह ये आपका टाइमर है, ठीक है। टाइमर के एंड पे जब बिल्कुल एंड पे जाता है तो ये एक सिंपल मैनुअल जो आपकी साइकिल्स में भी लगी होती है, वो घंटी लगी हुई है। और इसके अलावा बाकी जगह वो ये ऊपर जाता है तो हाई पे हो जाता है, नीचे जाता है या लो हो जाता है, ठीक है। इसमें वैसे कोई मसला है नहीं, वैसे अभी खुला हुआ तो मैं आपको दिखा रहा था। ये इसका बल्ब लगा हुआ है, इस तरह ये इसका फैन लगा हुआ है, इसके नीचे इसका कैपेसिटर लगा हुआ है, वो जो नजर आ रहा है सामने इस फैन के नीचे, उसको हमने पहले डिस्चार्ज किया हुआ। वो नीचे व्हाइट कलर में फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये डेंजर है, ये इसके ट्रांसफार्मर के ऊपर लिखा हुआ। तो इसको डिस्चार्ज करके इसको लगाएं, ठीक है। तो अभी इसको हम वापस चलते हैं, पैक करते हैं। ये देखें ये लिखा हुआ उसके ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर इसकी रेटिंग लिखी हुई है। इसके मैग्नेट्रॉन लगाना है तो मैग्नेट्रॉन वाली जगह के ऊपर मैंने वो थोड़ा सा जो बाहर निकला हुआ था उसको सेट कर दिया, और बाकी उसके बस एक नटी लगाना है तो उसको लगा के अब चेक करते हैं ना, ठीक है। तो ये देखिए ये डोर स्विच है ना, ये जो आपको नीचे से नजर आ रहा था, तो ये भी ऐसे है इसका, ठीक है। डोर स्विच अगर इसमें कोई मसला हो तो हम वहां से इसको फिर भी खोलना पड़ता है, सारा उतारना पड़ता है। ये डोर स्विच वाला ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो अभी हम इसको मैग्नेट्रॉन को लगाते हैं, मैग्नेट्रॉन लगा के फिर इसको चेक करते हैं कि ये कैसा रिस्पांस दे रहा है। तो ये लगा दिया, इसका एक नट ही लगाना था सामने वाला। तो मैग्नेट्रॉन भी इसका ये सारा अब फंक्शनल है ना। अब इसको हम इस तरह करते हैं कि इसी हालत में थोड़ा सा सेफ रह के इसको चलाते हैं। तो इसको चला के फिर देखते हैं कि ये करता है, इसका फंक्शनल है या नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं बोर्ड के साथ लगा के इसको ऑन करता हूँ, देखता हूँ कि ये सही चल रहा है या नहीं सही चल रहा, ठीक है। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं, देखिएगा इसको। वैसे मैं पानी भी रख दिया तो पता लग जाएगा कि ये सही चल रहा है या नहीं सही चल रहा। तो अभी मैं इसको बोर्ड के साथ लगा के ऑन करता हूँ और फिर उसके बाद इसको मैं बंद करूँगा। ये देखें बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। इसको थोड़ी देर ऑन रहने दिया,
और इसके फिर भी बंद कर देते हैं, उसको बंद करके उसको ऊपर से केसिंग लगाते हैं, कवर लगाते हैं। ठीक है, ये मैग्नाट्रॉन भी इसका सेट हो गया, इसकी लाइट भी सेट हो गई, और अब इसको पैक करते हैं और बंद कर देते हैं इसको पीछे से। बंद करने के बाद वो जो पानी रखा हुआ उसको भी बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसको हीटअप नहीं करना। इसको मैंने लो पे रखा हुआ था वैसे ना, ओवन की सेटिंग को, क्योंकि ज़्यादा गर्म हमने इसको वैसे भी नहीं करना, वैसे जस्ट चेक करना। तो इसको बंद करके इसमें से पानी निकाल के अब इसको हम पैक कर देते हैं वापस। ठीक है, पानी बाहर निकाल लिया इसमें से, और इसमें से देखता हूँ इसे गर्म हुआ है थोड़ा। हाँ ठीक है, ठीक है, मतलब सही है। अब हम इसको वापस पैक करते हैं। ठीक है, वही जो पहले वाला था उसको कवर जब हमने पहले उतारा था स्टार्ट में, वो इसको वापस लगा के सारे इसको नट लगा देते हैं। ठीक है, आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मान लीजिए।